जय जय माता दी। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है असली वशीकरण मंत्र। जी हाँ, जहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ असली प्रैक्टिकल वशीकरण मंत्र प्रयोग और टोटका बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्रचंड अजमल सुलेमानी साबर वशीकरण मंत्र। जी हाँ दोस्तों, आज का जो विधि है वह मंत्र के साथ तंत्र क्रिया भी है। अब थोड़ा सा इस चीज में ध्यान दीजिए, मंत्र और तंत्र में क्या अंतर होता है। देखिए, मंत्र में हम एक प्रार्थना करते हैं दोस्तों, और तंत्र में एक क्रिया होती है जिससे कि हम अपने इच्छित व्यक्ति को वशीभूत करते हैं। तो यह दोनों में अंतर होता है, और आपको आज की विधि में मंत्र और तंत्र दोनों क्रिया का प्रयोग करना है, जो कि संभोग के लिए बहुत ही प्रचंड है। अर्थात जिस व्यक्ति के ऊपर आप प्रयोग कर देंगे, वह व्यक्ति मजबूर हो जाएगा आपके लिए। उसके दिल में, उसके मन में इस कदर भावना जागेगी कि वह बेचैन होकर आपको खुद बोलेगा संभोग क्रिया के लिए। बहुत ही प्रचंड तरीका यह, जैसे कि नाम से आपको बता दिया हूं मैंने, अजमल सुलेमानी वशीकरण मंत्र है ये। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों मंत्र के बारे में। उससे पहले आप एक काम कर लीजिए कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले यह काम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ऐसी ऐसी विधि तंत्र मंत्र टोटके दूंगा जो वशीकरण से संबंधित बहुत ही प्रचंड है, जिसके प्रयोग से आप अपने जीवन में आने वाली तकलीफों और परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, आज की इस प्रचंड संभोग वशीकरण को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शुक्रवार को यह विधि आपको तब करनी है जब चांदनी रात हो, और आपको डायरेक्टली चांद की रोशनी आपके ऊपर पड़नी चाहिए, अर्थात चांद की रोशनी के पास जाकर आपको करनी है। अब यह विधि आप चाहे घर के अंदर करिए, खिड़की से चांद की रोशनी आना चाहिए, या फिर छत के ऊपर जाके करिए, कहीं से भी हो आपके ऊपर चांद की रोशनी जरूर पड़नी चाहिए। अब उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, पश्चिम की ओर मुख कर लेना है, और आपको श्वेत वस्त्र धारण करना है, और हकीम की माला लेना है जाप के लिए दोस्तों। जी हाँ, अब इस विधि को करते हुए आपको एक दीपक जलाना है तेल से। तेल इसमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं, किसी चीज का दिक्कत नहीं है, बस दीपक मंत्र जाप के समय जलना है। और उसके बाद जब आप मंत्र जाप करने बैठेंगे, सामान्य विधि से बैठना है, तो आपको अपने सिर के ऊपर सफेद कपड़ा रखना है, चाहे कैसे भी रखें, लेकिन एक सफेद कपड़ा आपके सिर के ऊपर होना चाहिए। अब उसके बाद ध्यान से सुनिएगा आपको क्या करना है। जी हाँ, जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ वह मंत्र है साबर सिद्ध वशीकरण मंत्र, जैसा कि मैंने बताया अजमल सुलेमानी साबर वशीकरण मंत्र। इससे आप समझ गए होंगे कि यह एक सिद्ध मंत्र है। जी हाँ, इसका प्रयोग करेंगे और बिल्कुल आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे। आपको इसमें सिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं, बस प्रयोग करने की जरूरत है। अब मंत्र पे ध्यान दीजिएगा। अलौ इन्नी कल किया इलै लिया किताबुन इन उन्नुहु मिन सुलेमाना मिन हुन। उच्चारण में ध्यान दीजिए दोस्तों, उच्चारण में गलती बिल्कुल भी मत कीजिए, फिर से सुन लीजिए। अलौ इन्नी कल किया इलै लिया किताबुन इन उन्नुहु मिन सुलेमाना मिन हुन। जी हाँ, इस मंत्र को आपको 21 बार मात्र जाप करना है, 21 टाइम, और उसके बाद जो दीपक आपके सामने जल रहा है उस पे उस व्यक्ति का नाम लेकर 3 बार फूंक मार देना है और उसे बुझा देना है। ध्यान रखिए, तीसरी बार में बुझ ही जाना चाहिए, चौथी बार प्रयास नहीं करना इसको। और उसके बाद उस बुझे हुए दीपक को आपको ले जाकर चौराहे में छोड़ आना है, और यह क्रिया करते हुए कोई भी व्यक्ति आपको नहीं देखना चाहिए। और जब आप वापस आएंगे तो पीछे पलट कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। घर में आने से पहले आप हाथ पैर धो लीजिएगा, बस इतना कर दीजिएगा। जिस व्यक्ति का नाम लिया है आपने, वह व्यक्ति देखिए आपके लिए किस कदर पागल हो जाएगा। वह खुद ब खुद आपको बोलेगा संभोग क्रिया के लिए। बहुत ही प्रचंड वशीकरण है जो कि अजमल सुलेमानी साबर वशीकरण मंत्र है, और इसका जो वार होता है कभी खाली नहीं जाता है। यह इस्लामिक तंत्र शास्त्र में बहुत ही प्रचंड है दोस्तों।
मैं यही कामना करता हूँ कि आप इन सब विधि का प्रयोग तभी करेंगे जब आप किसी मुसीबत में होंगे, अर्थात जन कल्याण के लिए करिए दोस्तों, सबकी मंगल कामना करिए। तब तक के लिए जय जय माता दी दोस्तों।